राजगंज के धारकिरो गांव में श्री श्री शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। मां चंडी का महायज्ञ 5 दिनों के लिए धारकिरो यज्ञ के समिति द्वारा रखा गया। यज्ञ आरंभ 3 मार्च 2021 से 7 मार्च 2021 तक होगा। कुमार तिवारी जी ने कहा कि आज दिनांक 2 मार्च 2021 जल यात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा कि इस जल यात्रा में 700 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। कतरी नदी के काको मठ होते हुए धारकिरो बस्ती तक श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए जल यात्रा को संपूर्ण किए। इस यज्ञ का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और 28 सालों से चलती आ रही है। 1953 में इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ समिति द्वारा प्रतिदिन संध्या भजन का आयोजन किया गया है। इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए धारकिरो गांव के लोग अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस यज्ञ का उद्देश्य है प्राणियों में सद्भावना एवं विश्व का कल्याण करना। चल रहा है प्रतिवर्ष 5 दिन के लिए। इसमें सप्तशती का पाठ 100 पाठ होता है और 1,00,000 बीज मंत्र का जप प्रतिदिन। जल यात्रा में कितने लोग भाग लिए? जल यात्रा में 700 लोग भाग लिए। ये जो लगातार आप जो करवा रहे हैं आपके गांव से जो ये लगातार हो रही है तो किसके माध्यम से होती है, कैसे आप लोग व्यवस्था करते हैं? समूचा गांव के माध्यम से गांव में चंदा के रूप में किया जाता है। आप गांव के सहयोग से ही होता है प्रत्येक साल? लगभग कितने साल बताया? 28 साल। 28 साल से काकू मठ के महाराज जी आदेश दिए थे, वही आए थे, उसी समय बोले थे कि बराबर यज्ञ होगा। तो यज्ञ के लिए आज आपका ये आ रहा है जल यात्रा, वो कहाँ से उठाते हैं आप लोग जल? हम लोग काकू मंदिर प्रांगण से हम लोग निकले, यहाँ से जल यात्रा जुलूस ले गए काकू मठ, वहाँ से आए यहाँ से हम लोग पूरा नगर भ्रमण करेंगे और कतरी नदी में जल भ्रमण करेंगे। जल आपका जो 3 दिवसीय या 5 दिवसीय 5 दिवसीय जो उसमें क्या क्या कार्यक्रम है, कब कितने तारीख को क्या क्या हो रहा है आपके जगह में? आज जैसे प्रथम दिवस जल यात्रा है, कल हमारा मंडप प्रवेश और हवन का कार्यक्रम चालू होगा। कल रात्रि में भी प्रोग्राम है, 2 दिन से भजन संध्या का है। तो प्रतिदिन 12 बजे दिन में प्रसाद वितरण होती है, 1 बजे आरती है, सायंकालीन आरती है, सायंकालीन प्रसाद वितरण है। इसमें भंडारा वगैरह का कुछ भंडारा का अंतिम दिन 5वां दिन में भंडारा।